हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी वर्ल्ड। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का। टॉपिक नंबर 1.3 कंप्लीट करेंगे, जो कि है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, बस ज़्यादा ज़्यादा 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है ना, तब से तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है ही है, और वो कहीं ना कहीं लिंकेज हिस्टोरिकल भी है और नॉन हिस्टोरिकल भी है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो कॉम्युनल दंगे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल है, लेकिन जो आज के टाइम पे जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जैसे कि नक्सलिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही है, वो सब नॉन हिस्टोरिकल है। ये सारे को ना अभी पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कौन हिस्टोरिकल है कौन नॉन हिस्टोरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, किस चीज़ का फैक्टर्स, वो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट करते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, उन सभी के बारे में भी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है अनफ्रेंडली नेबर्स। आपको पता ही होगा कि इंडिया के बगल में यहाँ कहीं चाइना है और यहाँ कहीं पाकिस्तान है। ठीक है, ये दो कंट्री कभी भी इंडिया को बढ़ता देख नहीं पाते हैं, कभी भी ये ग्रो करे ये दोनों से बर्दाश्त नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये दो कंट्री अनफ्रेंडली नेबर्स हैं, ये हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको भड़काते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं वो हमारे दोस्त नहीं रहे। ठीक है, दूसरा, पॉवर्टी, गरीबी। अगर मान लीजिए कल को इस देश में बहुत लोग गरीब हो जाते हैं, अभी भी है, वैसी बात नहीं है कि गरीबी ख़त्म हो गई, लेकिन मान लीजिए कल को अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर गरीब हो जाए तो क्या करेगी वो, भूख से या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो क्रिएट हो जाएगा जो उन्हें बेसिक फूड, जो बेसिक लॉ होते हैं, जो भी बेसिक चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो उन्हें नहीं पहुंच पाएगी, कपड़ा, रोटी, मकान, तो वो जो है पॉवर्टी में चले गए। अब जिसके वजह से क्या होगी कि वे कल को गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, और अगर यहाँ भी बात नहीं मानी गई तो वे लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप से क्या हो सकती है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और ये जो तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए भाई, हमारे यहाँ देश का बहुत तबका 33% हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना वो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उनके पास काम करने को कुछ है ही नहीं। तो ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ बिहार है, अग्निवीर्य नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया था हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 4 ईयर फिक्स्ड आपको जॉब मिलती, कहाँ पे, आर्मी में। उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, कहाँ पे, बिहार में। फिर बिहार में जो टीचर को लेके हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुई है, ये कहीं ना कहीं क्या कारण रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का ही तो कारण है। लोग चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले और जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसे बर्बाद करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी कारण बन रही है। फोर्थ बोल रहा है इनइक्विटेबल ग्रोथ। इनइक्विटेबल ग्रोथ का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए एक समान किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई एक कास्ट है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है, वहीं एक कास्ट है जो कि बहुत तेजी से गरीबी की बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, तो उनका जो पैसा ना वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वहीं एक देश का छोटा सा गरीब व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं गरीबी किसान उस हो भी सकता है, वो कहीं ना कहीं डेली डेली गरीबी से जूझ रहा है और वो चलता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्विटेबल ग्रोथ है
वो भी हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। फिर है एक बहुत बड़ा गैप हो जाना। किसका गैप? किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसके पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं, स्विमिंग पूल सब है। वहीं एक एक और व्यक्ति है, इसके पास ना तो गाड़ी है, घर है वो भी झोपड़ी जैसा, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, और ये खाना खाता भी है तो थोड़ा सा, और उसके सब फेंक देता है। तो ये क्या है? ये एक तरह से क्या है, एक बहुत ज़्यादा किसी के पास है, एक के पास इतना है कि वो उसका उतना काम ही नहीं है, और एक के पास है ही नहीं। तो ये भी हमारे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर है फेलियर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट और गवर्नेंस डिफिक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे देश के जो सरकारें हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला इशू अराइज हो जाती है। अब इसके बारे में मैं क्या ही समझाऊँ, ये तो डायरेक्टली ही डिपेंड कर जाती है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से। फिर है इंक्रीज कॉम्यूनल डिवाइड। कॉम्यूनल डिवाइड तो आज से नहीं, लगभग 500-600 साल से चलता ही आ रहा है, ठीक है। कॉम्यूनल डिवाइड बोले तो एक धर्म के नाम पे, धर्म का डिवाइड, कहीं कोई एरिया है वहाँ पे धर्म के नाम पे डिवाइड चल रही है। कोई कह रहा है कि नहीं हम हिंदू को पसंद नहीं करते हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं हम मुस्लिम को पसंद नहीं करते, तो क्या ये डिवाइड हो रही है? तो इसके बीच से क्या होगी, दंगा होगी। अब दंगा होगी तो जिसके नॉर्मल लोग हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाल फिलहाल में क्या हुई थी कि नूह में अटैक हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों पर अटैक कर दिया। क्या दोस्त उससे जो अटैक हुए थे, क्या उसे सिर्फ हिंदुओं को ही सिर्फ नुकसान हुई थी क्या? अरे उससे बहुत लोगों का नुकसान हो गया, उससे मुसलमान लोगों को भी नुकसान हो गया, उससे बहुत लोगों को ही नुकसान हो गया, उससे वो लोगों को भी नुकसान हो गया जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो ये क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कॉम्यूनल डिवाइड है, दो धर्मों के बीच में जो इतने गैप हो रहे हैं, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बढ़ता जा रहा है। फिर है इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस एंड कास्ट टेंशन। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा टर्म दे दिया, इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस, ठीक है, एंड कास्ट टेंशन। बात समझिए, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो कास्ट में जो आपके ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी तो हमारे देश के लिए खतरा है। बात समझिए, अगर मान के चलिए किसी को ये पता चले कि हमारे जो कास्ट हैं, जैसे कि मैं यादव को टारगेट नहीं करना चाह रहा, बस ऐसा ही एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उन्हें ये कल को फील होता है कि नहीं हम श्री कृष्ण के यहाँ से थे, ठीक है, तो क्या करेंगे कि वो जो छोटे कास्ट हैं या जो बड़े कास्ट हैं, मैं छोटे बड़े तो कोई नहीं, सब बराबर ही है, पर जो अपर कास्ट हैं या फिर जो जनरल हैं, उन्हें बोलेंगे कि तुम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। उससे क्या होगा कि वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिवाइड होने का चांसेस रहता है, ठीक है, और इससे क्या होगा, कास्ट टेंशन बढ़ेंगे। अब मैं एक और बताता हूँ कि जैसे कि कोई अपर कास्ट का लोग हैं, वे बोलेंगे कि नहीं पूजा पाठ करने का हक हमें नहीं है, तो उन्हें क्या हो रही है, अपनी कास्ट के बारे में नॉलेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, अब जो भी छोटे लोग हैं उन्हें तो भाई उन्हें भी पढ़ना है, उन्हें भी मंदिर मस्जिद में पूजा करनी है। अब इसके वजह से क्या होगी ना कि दोनों के बीच में दरार बन जाती है। इसीलिए कह रहे कि जो कास्ट अवेयरनेस है, वो चाहे छोटे लोग हो चाहे बड़े लोग हो, चाहे वो दलित फैमिली से बिलोंग कर रहे हो चाहे वो अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, सबको पूजा करने का हक है। अगर ये किसी को फील होता है कि नहीं ये हमारे ही लिए बना है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगी, कास्ट में एक टेंशन क्रिएट कर देती है। तो ये कास्ट का जो अवेयरनेस है, वे बहुत ज़्यादा ही इंटरनल सिक्योरिटी का मामला क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है कास्ट अवेयरनेस भी क्या है,
इंटरनल सिक्योरिटी का मामला क्रिएट कर सकता है। फिर 9 पॉइंट कह रहा है कि जो एक ही धर्म, एक ही लैंग्वेज के बेसिस पे, एथनिक के बेसिस पे, संप्रदाय के बेसिस पे, ये सब जो है सो अगर बढ़ते ही जा रहा है पॉलिटिक्स, तो वो भी हमारे देश के लिए खतरा है। अब मैं छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि तमिलनाडु में कल को ऐसे ऐसे टीचिंग दिए गए, मैं कोई राज्य को टारगेट नहीं कर रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे टीचिंग देने लग गए जो कि हमारे देश के अगेंस्ट ही जा रही है। वो किस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे, कि हमारे लैंग्वेज को कोई खास जगह नहीं दी जा रही है, हमारी कास्ट को कोई खास जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें देश से अलग होना है। तो ये क्या है, ये जो अलग होने की बात हो गई, किसके वजह से? एक कास्ट के वजह से, या एक लैंग्वेज के वजह से, या एक धर्म के ही वजह से, ठीक है? तो क्या हो रही है, वो एक साइड से हमारे यहाँ पे हमारे देश से अलग होने की बात हो रही है, और जहाँ अलग होने की बात हो रही है वो भी हमारे देश के लिए खतरा है, और वो भी खतरा है यानी कि वो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर जाती है। फिर अ पोरस बॉर्डर हैविंग वेरी टफ ट्रेन। देखिए हमारे देश का जो बॉर्डर है ना, मैं अगर आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये हमारे देश का बॉर्डर है, ठीक है, और खास करके ये वाला एरिया, राइट, आप समझ लीजिएगा, ये जो एरिया है वो ज़्यादातर हिली एरिया है, 8,000, 6,000, 5,000, 3,000 इतना मीटर मीटर हाइट का यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। अब क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे 24 घंटा तो नहीं ना खड़े रह सकते हैं, और हर एक जगह हर एक पॉइंट पे तो खड़े भी नहीं रह सकते। अगर हमने एक आर्मी यहाँ डिप्लॉय की है तो दूसरी आर्मी यहाँ पे होगी, तो यहाँ का जो बीच का जो रास्ता बन जाता है ना, तो वो पोरस हो जाते हैं, मतलब कि एक साइड से, जिसको हम लोग एक साइड से छेद भी बोला जाता है, रुई देखे ना, रुई के बीच में छोटा छोटा छेद होते हैं, सो क्या बोलते हैं, पोरस बोलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे छिद्र हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारी मिलिट्री अवेलेबल नहीं हो, और नहीं तो एक ऐसे जगह जहाँ पे मिलिट्री अवेलेबल कराना पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसे एरिया से जो भी लोग आएंगे हमारे कंट्री में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, क्या होगा, डेंजरस है ना। अब कल को मान के चलिए यहाँ पे एक बहुत घना जंगल हो गया, ठीक है, मान के चलिए एग्जांपल, यहाँ बहुत घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि यहाँ से कोई आ ही नहीं जा सकता, लेकिन तब भी कुछ लोग क्या करेंगे कि इस कंट्री से, इस हमारे देश में आने की कोशिश करेंगे, किसके थ्रू, ये जंगल के थ्रू। तो ये जंगल क्या हो गया हमारे लिए, एक पोरस हो गया ना, तो क्या करेगी, हमारे जो बाहर के लोग हैं उन्हें अलाउ कर देती है, और हम ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम यहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सकें। फिर है पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये जो 11th पॉइंट है वो क्या कह रही है कि जस्टिस सिस्टम, अगर मान के चलिए किसी को जस्टिस मिलने में बहुत डिले हो रही है, तो वो मे बी कुछ गलत कदम उठा लेगा, जैसे कि मान के चलिए किसी की फैमिली में कुछ कोई गलत काम करके चला जाता है, कोई दूसरे घर का लड़का कोई दूसरे घर में जाके कुछ गलत कर जाता है, और उसको न्याय मिलने 20 साल लग जा रही है, वह समझ गया कि मुझे अब न्याय मिलने वाली है नहीं, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले सकता है जिससे क्या हो कि वह देश के अगेंस्ट हो जाए, मे बी वो जाके उसका मर्डर कर देता है, या फिर कुछ ऐसा काम कर देता है जो कि ये दोनों हमारे देश के अगेंस्ट हो, तो क्या हो जाएगी, एक स्टेप से क्या हो, हमारे देश के लिए ही खतरा है। तो ये जो डिले है किसका, जस्टिस मिलने का, वो भी हमारे देश के लिए खतरा है। और फिर क्या है कि जो पुलिस है, पॉलिटिक्स है, इन सब का एक लिंकेज किसके साथ में, एक क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ में, ये भी हमारे देश के लिए खतरा ही है। अगर पॉलिटिशियन ही हमारे देश में करप्ट होने लग गए, वैसे होते भी हैं, तो हमारे देश के लिए ये भी खतरा है। देखिए ये जो पहले 3 दिखाए गए हैं ना,
ये हमारे यहाँ पे जो ये तीन दिखाया गया, इसको अगर दूसरे कलर से मार्क करूँ तो ये जो तीन है, ठीक है, अनफ्रेंडली नेबर्स और प्रॉपर्टी अनइम्प्लॉयड, ये हमारे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से पहले ही था, ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद चलता ही जा रहा है और ये अभी तक रिजॉल्व हुआ ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फैक्टर इन द अबव लिस्ट कैन बी टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर्स। देखिए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अच्छा से नहीं काम कर पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। फिर कह रहा है कि सेवेंथ, एट, नाइन कुड बी ड्यू टू द राइज ऑफ पार्टीशियन पॉलिटिक्स। ये जो नाइन, सेवेंथ, एट, नाइन है, कॉम्युनल दंगा हो जाना, फिर ये अवेयरनेस, ये सब कहीं ना कहीं क्या हो रही है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। अब मान के चलिए कल को एक ऐसी पार्टी क्रिएट हो जाती है जो अपने धर्म को लेके, अपनी जात को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने लग जाए, ठीक है, कि हमारा धर्म तो, हमारा जात तो इतना नीचे है, हम अपनी जात को बहुत आगे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है, तो का क्या है हमारे लिए एक थ्रेट है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट किसके बेसिस पे, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना आज के टाइम पे, उसके बेसिस पे। और लास्ट का जो दो है ना, लास्ट का दो, वो क्या है, गवर्नेंस नहीं अच्छा होने की वजह से भी। अब मान के चलिए गवर्नेंस ठीक नहीं हुआ तो क्या होगी, कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर में जो है, हमारे जो बॉर्डर है वो, उसके वजह से भी हो सकती है, क्रिमिनल जस्टिस नहीं मिल रही, तो क्या है, गवर्नेंस का फेल्योर है ना। हमारे यहाँ गवर्नेंस जो भी हो रही है, जो भी देश चला रहे हैं, वो अच्छा से नहीं चल पा रही होगी, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। तो ये सब सारे थ्रेड्स हैं किसके लिए, हमारे लिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का जो है ना एक पॉलिसी है, जिसमें वो कहते ही रहते हैं कि टू ब्लीड इंडिया विद अ 1000 कट, यानी इंडिया को हम बहुत ज़्यादा काटेंगे और उसे खून निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे थॉट्स है पाकिस्तान के, तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलती है कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी जो है, जो अनफ्रेंडली नेबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हमारे देश के लिए खतरा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गाइस, हम लोग अभी यहीं वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारना भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ही लाइक मारना, और अगर थोड़ा सा कमेंट कर देना, कोई भी एक लाइन लिख देना, थैंक यू वगैरह जो भी लिखनी है। और वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इंगेजमेंट उतनी अच्छी आ नहीं रही है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।